हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के जीव मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर जीवों के बारे में हम जानते हैं। सबको लगता है कि जंगली जानवर काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि इन जंगली जानवरों से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है छोटे छोटे कीड़े। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में बताऊँगा जो इतने खतरनाक है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपकी जान ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 5 दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में जानने वाले हैं। रुको, जरा सबर करो। और यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं एक्सटेटोसोमा। इस जीव को लोग विशाल कांटेदार लकड़ी के कीड़े की नाम से जानते हैं। इसकी 2 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये जीव लगभग 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं। जब इसका सामना किसी जानवर से होता है तो ये बिच्छू जैसा बनकर दुनिया के एक प्रकार की तरल छोड़ता है, जिससे वो डरकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है बुलडॉग आंट। इस चींटी को ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल आइसलैंड पर देखने को मिलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी माना जाता है। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक और निडर है, यही कारण है कि इसका नाम बुलडॉग रखा गया है। ये काटते समय अपना डंक और जीभ दोनों की इस्तेमाल करती है। ये एक साथ बहुत बार डंक मारते हैं और इसकी सहार वो शरीर में जहर छोड़ते हैं। जहर काटने से सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक आदमी की मौत हो सकती है, लेकिन ये जीव बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है फनल वेब स्पाइडर। ये मकड़ी ऑस्ट्रेलिया की कुछ ही हिस्से में देखने को मिलती है। ये इतना खतरनाक है कि इसके काटने पर अगर तुरंत इलाज ना हो तो मौत भी हो सकती है। इसका जाली फने की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका ऐसा नामकरण किया गया है। ये 1 से 5 सेमी लंबे होते हैं और ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसका दोनों डंक नीचे की तरफ होते हैं और ये इतना मजबूत है कि इंसान की नाखून के ऊपर से भी डंक मार सकते हैं। इसकी करीब 35 प्रजातियाँ इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से 6 प्रजाति ऐसे है जो जानलेवा है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर आता है किसिंग बग। यह जीव को ज़्यादातर मध्य अमेरिका, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। यह जीव इंसान और दूसरे जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं, इसलिए इसे वैम्पायर बग भी कहा जाता है। इसे किसिंग बग का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह इंसानों की होठों से खून चूसता है, क्योंकि यह इसे शरीर के दूसरे हिस्सों से नरम होता है। लेकिन जब भी ये इसका खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपानोसोमा क्रूजी नाम की एक पैरासाइट छोड़ते हैं, जिससे चगास नाम की एक बीमारी होने का खतरा रहता है, और इस बीमारी के कारण हर साल 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 1ले नंबर पर आती है बर्डफ्लाई। इसे ज़्यादातर मध्य और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग है। जब ये इंसान को काटते हैं तो अपनी लार्वा से त्वचा के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जो धीरे धीरे शरीर के अंदर बड़ी होती है और इंसानी मांस खाकर जिंदा रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये इंसानी शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये मक्खी जब इंसान या फिर जानवर को काटते हैं तब ये इनके शरीर में अंडे दे देती है, जो शरीर के अंदर 60 दिन तक रह सकता है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।